महापुरुषा अति सिंह साहिबान जी दिया सी सत्का पाई साहब पाई गुरु इकबाल सिंह जी अति बीबी कौला जी पलाई केंद्र ट्रस्ट वालों बंदी छोड़ दिवस नु समर्पित 31वां सलाना गुरमत समागम 3 सितंबर तो 2 अक्टूबर तक बीबी कौला जी पलाई केंद्र ट्रस्ट तरन तारन रोड श्री अमृतसर साहिब विखे करवाया जा रहा है। 2 अक्टूबर नु सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक गुरमत समागम होवेगा, जिस विच कवि दरबार कीर्तन दरबार तो इलावा 13 साबत सूरत लोड़वंद बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज भी होंगे। हरेक बच्चे बच्ची नू जरूरी समान तो इलावा 180 लीटर दा फ्रिज भी दिता जावेगा। विशेष बेनती, लोड़वंद साबत सूरत परिवार जिन्ना दे रिश्ते पहला ही आपस विच तय हुए हन एना नंबरां ते संपर्क कर सकते हन 98765-25815-25820-47। नानक ते मुख उजले, नानक ते मुख उजले, ते सच्चे दरबार, ते सच्चे हजूर 6वें पातशाह सिखां दे नाल निकलन लगे ते फुरना बन गया साईं मियां मीर जी नूं मिल के आईए। थोड़ी दूरी आ जे वेखो कृपा, ये पढ़ो इतिहास च कहिंदे 6वें पातशाह ने घोड़ा उधर मोड़िया जिधर साईं मियां मीर दा डेरा मुजंग पिंड दे कोल, इधर घोड़ा मोड़िया फुरना बनिया साईं जी नूं मिल के आई। मैं हैरान हो गया, कहिंदे इधर फुरना बनिया उधरों साईं मियां मीर एकदम उठ के खलो गए। चेले कहिंदे जी की गल, कहिंदे गुरु नानक दी 6वीं जोत साडे वल आ रहे है वह वड्डे ने उच्चे ने सत्कार योग ने वो इधर तुर पे है पर आप नंगे पैरी उन्होंने लैन तुरना है। साईं जी अगों लैन गए नंगे पैर, जदों लैके अपने स्थान ते लियाए ते हुण पहली गल वेख्यो साईं मियां मीर ने 6वें पातशाह नूं किथे पाया जेड़े आसन ते आप बहिंदे उत्थे बिठाया। और लिखिया बिठाण वेले पहले पहले लफ़ज़ जेड़े मुंह चो निकले राज बैटरियां चार्ज करे वो पहले लफ़ज़ लिखे है कहिंदे अज अल्लाह दा नूर आप दर्शन देन आया है, अज अल्लाह दा नूर आप दर्शन देन आया है। दूजा एक त्या लिखे आसन ते पाया, दूजा लिखे ऐ लफज कहे अज अल्लाह दा नूर दर्शन। हुण जो तो सेवा कीती ना जो छकाया कीता, जदों 6वें पातशाह जान लगे है ना तीजी गल बड़ी वड्डी कीती। साईं मियां मीर सी फकीर सी औलिया सी हजारां लखां राजे महाराजे सेवक सी, पर जान वेले जेड़ा काम कीता ना साईं मियां मीर जी ने वो की कहिंदे एडे साईं हुंदियां फकीर हुंदियां 6वें पातशाह दे चरणां दे उत्ते लम्मे पै के आप सिजदा कीता। आप सही था, आप सही था कीता जी, ध्यान देना जी। जिन प्रेम कियो, प्रेम की
जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो। बिन ही प्रभ पायो, बिन ही प्रभ पायो। बिन ही दर्शन करो। जदों साईं मियां मीर ने आसन ते बह के कहा ना, अज अल्लाह दा नूर आप दर्शन देण आया, जान लगे सजदा कीता। उस वेले उस संगत विच बीबी कौलां जी भी बैठे हुए। जदों सतगुरु चले गए ना, ते बीबी कौलां जी साईं मियां मीर जी उन्हां नूं पुछदे है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੱਚੀਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ बचिए, अज जेड़े ये वली आए ने, ये गुरु नानक दे गद्दी नशीन ने। अमृतसर इन्हां दा निवास है, ये गुरु नानक दे गद्दी नशीन ने, अमृतसर इन्हां दा निवास है। ते धरती दियां सारियां शक्तियां दे ये मालक ने। हुण इतिहासकारां ने तीन गल्लां लिखियां, ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। तीन गल्लां फिर सुन लो, सुखमनी साहब का पाठ सुन, गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन करके, गुरु घर की महिमा सुन के ना गुरु घर नाल लगन हो। वैसे कदी कदी सुखमनी साहब का पाठ रसना नाल करो, चलो ता भी तुहानू कई वारी सुरती चलदा, ता भी तुहानू कई वारी नेत्रां चलदा, ता भी तुहानू। पर कदी कदी भावें नेत्रां नाल होवे, भावें सुरती नाल, भावें रसना नाल, ते कदी कदी विच कोई कोई पौड़ी विचार के करियो। मैं एक गल नोट की, सुखमनी साहब की कोई पौड़ी पढ़ लो, कोई पंक्ति पढ़ लो, अष्टपदी पढ़ लो, नाम ही नाम है, नाम ही नाम है। हर हर चीज दे अर्थ सही। बिस्मन बिस्म भय बिस्मार, जिन बुझिया तिस आया स्वाह, जिन्हें उन्होंने बुझ लिया नाम बुझ लिया स्वाद आ गया। रब के रंग राज जन रहे, जेड़े उदे रंग च रंगे गए नाम, गुर के भजन पदार्थ। कोई कई बार मैं सुखमनी साहब पाठ करते करते ना, भाई वाहगुरु वाहगुरु चल पाता, भी नाम ही नाम है, और कुछ है ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी कोई दलील कोई मिसाल छटी नहीं। प्रभ कै सिमरन गर्व ना बस, सिमरन कर गर्व तो पाए, प्रभ कै सिमरन दुख जम, प्रभ कै सिमरन काल पर उसले दिल करता है सिमरन करी जाइए, प्रभ कै सिमरन दुश्मन डरे। जे तेनों डर भी है कोई दुश्मन का भी, वह भी प्रभ सिमरन कज बिगन ना लग, नाम ही नाम इना महत्व।
ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਿਆ ਕਾਜੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਉਹ ਲਗਨ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਨ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕੰਮ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਬਚਾ ਲਓ ਲਓ ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤੇ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭੇਜਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਲਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਮ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੌਲਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਉਹ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ
नची जिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी मुझंग तो बड़ा औखा काम से जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे था जो शरण आवे तेस ये बिरद स्वामी महाराज जी ने शरण आए दी लाज रखी मुजांग पिंड तो अमृतसर आए रात जिथे रुके उथे भी बीबी कौला जी का छेवें पातशाह और सिख नाल गुरद्वारा गुरु साहिब उस तो बाद जिथे कौलसर गुरुद्वारा जी एदा नां सी फुलां दी ढाब इत्थे छेवें पातशाह ने निवास कराया ते की आखिया बेफिक्र होके बाणी पढ़ इत्थे आप जी नूं कोई मौत दा डर हो नहीं लिखिया बहुत जप तप भगती बीबी कौला जी ने एक दिन छेवें पातशाह को दुनियावी पुत्र दी गल की कवि भाई संतोख सिंह जी ने इंज लिखे भी बीबी कौला जी ने कहा भी जे मैं व्याही होंगी बाबा टल जी इधर बच्चे खेड रहे इंज मैन मेरे भी पुत्र छेवें पातशाह ने ज्ञान दे नाल उस खाश नू मिटा के की आखिया दुनियावी पुत्र दी याद ते दो चार कुलां तक रहिंदी ए कौला जी असी तुहानू एहो जिहा पुत्र बख्शांगे जिहड़ा रहिंदी दुनिया तक तुहाडी याद रहे ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੇਗ ਬਣਾਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਟੱਕ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੌਲ ਸਰ ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੌਲ ਸਰ ਰੱਖਣਾ ਕੌਲਾਂ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸੱਸ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ महाराज जी गए करतारपुर जाके बीबी कौला जी नु की आख्या गंगसर अज भी करतारपुर जाओ गंगसर नां दा खूह है आख्या उथे शनान करो सुचे बस्त्र पहन के ते फिर जिथे दीवान लगे सी उथे लिखिया अम साहब दवान की समाप्ति तो बाद छेवें पातशाह ने बीबी कौला जी नू की आख्या बड़े ध्यान नाल सुने की वचन कीता कि आप जी की उम्र केवल चार घड़िया बाकी रह गई घट घट के आप जी की उम्र केवल चार घड़िया बाकी रह गई है जरा लफज सुने कवि भाई संतोख सिंह ने लिखे सूरज प्रकाश छेवें पातशाह कहते कौला जी शरीर मिथ्या है शरीर मिथ्या है आत्मा अविनाशी है अपने आत्म स्वरूप विच बिरती जोड़ो
जिदे करके तुहाडा जन्म मरण मुक जाए। बीबी कौलां जी अगों की जवाब देंदे आ, जिवें तुसीं बचन करदे हो आत्म स्वरूप विच मैं बिरती जुड़दी आ, और छेवें पातशाह मेरे सब तो वड्डे भाग ए ने कि मैनू अपने अंत वेले गुरु हरगोबिंद साहब आप जी दे सामने दर्शन हो रहे। मेरा जन्म मरण भी तेरे चरण, मेरा सचखंड भी यही है। थोड़ करे हो मेरी आत्म स्वरूप च बिरती भी है, मैं अपने वड्डे भाव अंत वेले मैनू इंज दर्शन। पांच सावन 1685 बिक्रमी नूं छेवें पातशाह दे चरण नेत्रां च वसा के आत्म स्वरूप च बिरती जोड़ी, ते चार घड़ियां बाद बीबी कौलां जी ने शरीर त्याग। सर एक दो मिनट गल्लां जिहड़ियां जरूरी, बीबी कौलां किन्ने भागां वाले होणगे? पहली बात, जिन्हां दा अखीरला समां गुरु हरगोबिंद साहब ने आप संभालिया। एक माता भाग भरी दा कश्मीर, उहदा भी अखीरला वेला आप संभालिया। एक बाबा बुढ़ा साहब जी रमदास, अखीरला वेला छेवें पातशाह आप संभालिया, दीवान मोढ़े ते चुकिया बाबा बुढ़ा साहब। एक आ बीबी कौलां जी खीरला वेला आप संभालिया। मैं हैरान हो गया पढ़ के इतिहास, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, अठ नहीं, चोला बदलन तो बाद बीबी कौलां जी दे छेवें पातशाह 15 दिन करतारपुर दीवान लाउंदे ने। 15 दिन इहो ही कथा कीर्तन हुंदा रहा, उस प्यार ते, उस श्रद्धा ते, उस भावना ते, गुरबाणी दे प्यार ते। पहली गल ते आ, ते दूजी गल सुनियो, किड्डा माण बख्शिया ये तुहानू भी पता है। अमृतसर विच 5 सरोवर ने, 5 उन्हां 5 सरोवरां विच्चों आ एक सरोवर जेड़ा संतोख सर, वह भी भगत दे नां ते, एक कौल सर वह भी भगत दे नां ते, आखो सतनाम। तीजा श्री कौल सर साहब जदों टक लगन तो बाद सरोवर बन गया, जल पै गया, किन्ना माण बीबी कौलां जी नूं छेवें पातशाह ने बख्शिया। ज्ञानी ज्ञान सिंह कवि भाई संतोष जी ने लिखिया, छेवें पातशाह ने वचन किया कि इस सरोवर विच जिहड़ा इशनान करके अमृत सरोवर च इशनान करेगा उहदे तन ते मन की मैल कट्टी जाएगी ते उहदी यात्रा सफल होएगी। मैनूं उहनां दीआं वी एक दो गल्लां पढ़ियां बीबी कौलां बारे। प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी ने लिखिया, कौल का अर्थ है कौल की पक्की होना, जो कौल किया उहदे च पक्के होना, बचन च पक्के रहना। कहिंदे कौलां ना इन्ना महान है कि कौल की पक्की होना इहदे चों खुशबू आउंदी। प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी ने 5वीं गल आ लिखी है, कहिंदे कौल का अर्थ है निर्लेपता। कमल का फुल ना पानी तो निर्लेप रहिंदा, पानी च उहदे नाल तुलना दित्ती। कहिंदे कौलां का अर्थ है निर्लेपता, पवित्रता, उपरामता। आखो सतनाम।
प्रिंसिपल सतवीर सिंह ने लिखे है, बीबी कौलां दे नाम वर्गे ये सारे गुण उन्होंने जीवन विच्चों दर्शन होंदे सन। निर्लेपता दे भी, पवित्रता दे भी, उपरामता दे भी। आओ अज अठवां भाग बीबी कौलां जी दे जीवन पे विचार। बहुत संगतां दा मन भी सी असी बीबी कौलां जी दा इतिहास सुनिया नहीं है की है, सारा तो नहीं लिया गया जिन्ना क भी लिया गया के किवें छेवें पातशाह ने न्यासरिया नू शरण दिती, आसरा दिता ते किन्ना माण दिता पंजां सरोवरां चों एक सरोवर उन्हां दे नाम ते कौल सा। आओ ये पंगतियां करी अंदरों पढ़ो, कोई वांझा ना रहे, सारे कृपा करियो जी। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, हरी संगत अते तख्त श्री हरिमंदर पटना साहिब जी दी आसीस सत्कार पाई साहब पाई गुर इकबाल सिंह जी अते बीबी कौलां जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वालों पंजवी लहर 350 साल धन गुरु गोबिंद सिंह जी नाल इसे लड़ी तहत सतवां उपराला वाहिगुरु सिमरन जाप श्री जपजी साहिब जी अते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सहज पाठां दे प्रवाह जिस दी अरदास 1 अक्टूबर दिन बुधवार नूं बीबी कौलां जी भलाई केंद्र ट्रस्ट तरन तारन रोड श्री अमृतसर साहिब विखे होवेगी। संगतां नूं बेनती है कि आप जी वध तो वध वाहिगुरु सिमरन जाप श्री जपजी साहिब जी ते सहज पाठ दी हाजरी लगवाओ। आप जी तो सतगुरु जी ने कितनी सेवा लई है अते होर किसी भी तरह दी जानकारी लई आप जी एना नंबरां ते संपर्क कर सकदे हो जी। विद्वता ते खोज भरपूर पाई गुर इकबाल सिंह जी दियां 4 हथ लिखत किताबां मैं दस्यो मारक संतो, श्रद्धा दियां 11 निशानियां, 9 विशेषताइयां, श्री सुखमणी साहब जी जीवन सेता ट्रस्ट कोलों किताबां मंगवाउण लई संपर्क करो 98765-25850।